नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की। जैसे जैसे भूख की शिकायत, फ्लू की तबीज, सहरा की गर्मी का बढ़ती जा रही थी, इमाम हुसैन अलैहि सलाम स्थान में खड़े होते सलाह अल्लाह दसवीं मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई, हयात हुसैन ने एक खतरा आप दी है और इमाम हुसैन अलैहि सलाम के एक हजार अंसार शहीद होते चले जा रहे हैं। एक बार जनाब अब्बास के अंसार इमाम हुसैन की खिदमत में आए, कहते हैं आका मुझे पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने कहा भैया अब्बास तुम तो मेरे लक्के से अलमदार हो, मैं उसको कैसे पढ़ने की इजाजत दे दूं। जनाब अब्बास ने कहा कि मैं अलमदार ही था और मुझने बच्चों की सलाह अदा सुनी नहीं चाहती। अदादार ने मजलूम करना इमाम होते हैं जो इस्लाम को इस्लाम ने कहा भैया अब्बास देखो लड़ने के लिए तो नहीं, हाँ अगर मुमकिन हो सके तो बच्चों के लिए थोड़ी सी पानी की सभी फराम कर दो। जनाबे अब्बास खुशी खुशी दरे खैमा पे आए, आने के बाद कहा सकीना जरा मस्जिदा लेके आओ। जनाबे सकीना दौड़ी हुई तू कामना मस्जिदा लेके आई, कहा देखा अब्बास क्या पानी की सभी हो जाएगी। जनाबे अब्बास ने कहा हाँ बेटी हम मैं पानी के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर और सब्र करो इंशाअल्लाह मैं पानी जरूर लेके आऊंगा। अदाना ने मजलूम करना इधर इमाम हुसैन अलैहि सलाम के खिदमत में जनाब अब्बास मस्को अलम में लेकर आए और आने के बाद इजाजत तलब की। अदाना ने मजलूम करना इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने जनाब अब्बास के हाथों से अलम को लिया, उसने लिखा हुआ था इन्ना करूं मेरा अल्लाह है वह पदों का ही आयत करी खुदा की तरफ से आपको पता होगी। अदालत ने मजलूम का बोला इमाम हुसैन अलैहि सलाम को अस्लाम में उंगलियों के इशारे से ऊपर नसरू में अल्लाह है वह पदों करीब की जगह इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा। लिखने के बाद खुदा हाफिज था इधर थैले में जनाबे सकीना नन्हे बच्चों को जमा की हुए किताबा दे रही है, कह रहे हैं बच्चों अब तो आधी देर और बाकी है, देखो मेरे चचा अब्बास पानी के लिए गए, मेरे चचा अब्बास ने मुझको बाहर मुझसे पानी का वादा किया है, अब हम बहुत देर से मजदूर करना इधर जनाबे सकीना बच्चों को दिलासा दे रही है। सुधा जनाबे अब्बास फौजों के हमले पे हमला करते हुए तारी की तरफ आए, आने के बाद कुरान से कब्जा किया, करने के बाद मस्कर सकीना को बहा चुल्लू में पानी को लिया, लेने के बाद एक बार चुल्लू में जो पानी हुआ था उसकी तरफ निगाह की, निगाह करने के बाद पानी को कुरान ने फेंक दिया। अजब नहीं जनाबे अब्बास की निगाहों में पानी में सकीना की तस्वीर नजर आए, लो जो कह रही हो निगाह अब्बास क्या पानी की दीजिएगा सकीना प्यासी रह जाएगी, चका पास कहने में बच्चे प्यासे रह जाएंगे, चका पास मेरा भैया कर कहने में प्यासा रह जाएगा। जनाबे अब्बास ने पानी को देखा, दामन को हवा से खुश किया, मैं कहूंगा मौला आपने हाथों को दामन से क्यों खुश किया, अजब नहीं आवाज है कि कहीं ऐसा न हो कि सकीना मेरे हाथों की तारी देख ले और ये सोचे कि चचा अब्बास से पानी पी लिया है। अदाबा ने मजदूर से कर बता जनाबे अब्बास मस्को अलम को संभाले हुए कुरान की तराई के ऊपर की तरफ आए और अंतरिक्ष की खयाल की तरफ पहुंचे। पिछले साहब ने जब ये हालत देखी अपनी फौज को पूरी फौज को आवाज दी तुम तो क्या देख रहे हो, सब मिल के हमला करो, ये अली का शेर है ये लोही मारा ले जाएगा, देखो खयाल हो सकी में एक कतरा भी पानी नहीं पहुंचने पाए। अदादा ने मंजूबे का बोला सहमे हमले पे हमला शुरू हो गया, जनाबे अब्बास जनाबे पहला भी कहता है कि जनाबे अब्बास
नबी ने चराए अब्बास के दाहिने बाजू को कलम किया, किसी तकी ने बाएं बाजू को कलम किया, चराए अब्बास इसी आलम में किसी तकी ने एक ऐसा तीर मारा कि मस्जिदा जीत गया, सारा पानी बह गया, चराए अब्बास की प्यार, चराए अब्बास से मायूसी के आलम में सर को झुका लिया, यार अब लगता है पानी क्या में होता है पहुंचते ना पाएगा, सर को झुका लगा कि किसी सती ने ऐसा वार किया कि चराए अब्बास का सर दो पारा हो गया, अब्बास के बोले में सौदा लग गया, चराए अब्बास ने जिसे हुए आवाज दी, यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शमशीर अली मुख्तारी, मदरसा जाफरिया गोपालगंज का प्रिंसिपल। ज़्यादातर मुझको लोग यहाँ कस्बे में मौलाना साहब के नाम से जानते हैं, इसलिए जुमला कह रहा हूँ। आज मुहर्रम की 7 तारीख है जो इख्तिताम की मंजिल तक पहुँच रही है। इस्लामी तारीख की किताबों में और मोतबर रिवायतों के ज़रिए जो हम तक खबर पहुँची है, करबला के मैदान में यजीद के लश्कर की तादाद आज के दिन तकरीबन 80,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी थी और फरजंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 आदमी थे। और आज का दिन वो है, चूँकि एक सवाल ये होता है कि क्यों 7 तारीख को, असल तो शहादत तो 10 तारीख को है, 10 मुहर्रम को है, तो 7 तारीख को क्यों जो है जुलूस और ये आलम खास करके, तो इसकी वजह यह है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब ये आलम होता है। अलमदार का नाम सुना हुआ, अलमदार के नाम ही से उनको शोहरत भी है, और उनका एक लकब है सक्का सकीना, यानी बच्चों की प्यास बुझाने वाले, सक्का यानी प्यास बुझाने वाले। चूँकि 7 मुहर्रम का दिन वो है कि जिस दिन से हुसैन और उनके काफिले वालों के साथ, उनके बच्चों के साथ पानी का एक कतरा भी नहीं था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। 4 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था यजीदी लश्कर वालों ने नहर फुरात पे, और जहाँ जहाँ भी पानी का कुआँ था, जैसे उस ज़माने में, पहले के ज़माने में लोग डोल से भर करके ले जाते थे, वो सारी जगहों पे यजीदी लश्कर बैठ गई थी कि कोई भी एक कतरा पानी फरजंद रसूल तक ना ले जाए, हुसैन के खैमों तक ना पहुँच सके। और 7 जो पहले पानी मौजूद था वो 7 तारीख तक मौजूद था। अब 7 तारीख के बाद से प्यास का जो आलम, बस ये सुनने वालों के लिए एक एहसास के लिए मैं सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ। हम लोग अभी जुलूस में आए, एक एक मिनट पे, पाँच पाँच मिनट पे पानी का जो इंतज़ाम यहाँ के टाउन एरिया की तरफ से,
इस मोहल्ले के गंजे शहीदा के आसपास रहने वाले हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से, हिंदू भाइयों की तरफ से जो इंतजाम किया गया है पानी का, इतना उसके बाद भी पानी पी के आप छोड़िए जैसे लगता है कि फिर प्यास लग गई है, तो जरा थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए कि जहाँ 3 दिन तक छोटे छोटे बच्चे प्यासे हों उनकी प्यास का आलम क्या होगा। और ये नहीं कि ये एक बनावटी बात नहीं है, ये तारीख की हकीकत है, और ये वो चीज़ है कि दुनिया के हर मजहब के मोतबर किताबों में, यहाँ तक के हिंदू भाइयों की किताबों में भी इसका जिक्र मौजूद है, यहूदी और ईसाइयों की किताबों में भी इसका पूरा जिक्र है। उसी की याद में चूंकि आज पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मौजूद थे, लेकिन फरजंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल ने उनको जंग की इजाज़त नहीं दिया था, इसीलिए उनकी याद में आज के दिन जुलूस निकाला जाता है अलम का, और शाम तक फिर इसको वापस किया जाता है। सर, नगर पंचायत और प्रशासन के लोगों को और आवाम को क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? बेटा, जो ये कहने की चीज़ नहीं है, ये तो देखने और एहसास करने की चीज़ है। बस एक मुख्तसर में ये बता दूं कि आज ये थोड़ी देर का यहाँ का इंतज़ाम दे करके टाउन एरिया के जिम्मेदारों की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से और प्रशासन के लोगों ने जो मेहनत किया जिम्मेदारी से, ये पूरा साल जो है ये छोटे छोटे बच्चे भी नहीं भूलेंगे, हम लोगों को तो कोई सवाल ही नहीं है। और खुद आप लोग देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो कुरान करीम का हमारा एक हुक्म है, हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान, सूरह रहमान में, कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो हम इसका बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल मैं अपनी तरफ से, अपने कौम के बच्चों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, जवानों की तरफ से और ख़ासकर बुज़ुर्गों की तरफ से, और फिर बिलखसूस शिया एक्शन कमेटी के सदर, अंजुमनों के सदर सेक्रेटरी और जितने जो है हमारे उलमा यहाँ पे ज़ाकिरीन जो मुहर्रम में स्पीच करते हैं, उन सब की तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने हमारी इस आवाज़ को हमारे इलाके के तमाम मुसलमानों और तमाम इंसानों तक पहुँचाने का ज़रिया बने। अल्लाह सुबहान तबारक ताला मालिक आप सबको अच्छा रखे और ये खिदमतें कबूल हों, और इसी तरह मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद, भाईचारगी के साथ ये सिलसिला चालू रहे। और जिन जिन लोगों ने इस मामले में खिदमत किया है, देखिए इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता, सबसे पहले हम इंसान होते हैं, और इस इंसानियत के नाम पे जो किया है यकीनन दुनिया और आखिरत में अल्लाह सुबहान तबारक ताला ऊपर वाला इसका ज़रूर बदला देगा। और हमारी दुआ है, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम।